नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मेरा नाम सोनाली है, जैसा कि आप जानते हैं। मशहूर फिल्म एंड थिएटर एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी जी नहीं रही हैं, एक ब्रिलियंट माइंड, बेहतरीन अदाकारा जिन्हें हमने खो दिया। उनका जाना एक क्षति है, लेकिन उनका काम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहेगा। और उन्हीं के काम को याद करते हुए आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो खुद एक बेहतरीन कलाकार हैं। हम सभी उनके फैंस हैं, लोगों के दिलों में बसे हैं। और सुरेखा जी के साथ जिन्होंने बधाई हूँ में काम भी किया, इंट्रोडक्शन की वैसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन स्वागत है सर, गजराज राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार। सर, सबसे पहले एक सवाल आपसे जो करना चाहती थी वो ये था कि आपके बहुत सारी बातचीत में, इंस्टा पोस्ट भी अभी मैं पढ़ रही थी, आपने बहुत कुछ उनके बारे में लिखा, लेकिन सबसे पहला संपर्क या मुलाकात कब हुई थी सुरेखा जी से आपकी? सबसे पहले संपर्क या कहें तो मैंने उनके बारे में जाना था जब मैं बहुत छोटा था और दूरदर्शन पर एक फिल्म देखी थी, परिणीति। प्रकाश झा साहब की फिल्म है ये। उसमें सुरेखा जी और रवि झांकल साहब हैं और ये विजयदान दी था कि एक लोक कथा पर आधारित है। अनंग देसाई सर हैं उसमें और मुझे उतनी नाटक की या परफॉर्मेंस की समझ भी नहीं थी, लेकिन मुझे एकदम उनका जो एक सराय चलाते हैं रेगी, आपने वो फिल्म देखी है? हाँ, तो रेगिस्तान में सराय चलाता है ये कपल बियाबान में और मुसाफिर आते हैं और एक रात एक मुसाफिर आता है अपनी नई नई ब्याहता को लेकर। और ये लोग क्या करते हैं, अगर मुझे ठीक ठीक याद है तो ये थोड़ा सा क्रूर हो जाते हैं, जेवर वगैरह लेके मार देते हैं लोगों को। और इनका एक बच्चा है जो बहुत पहले कोई एक सेठ लेकर चला गया था कि उसको दिसावर पालेगा और उसकी उसकी देखभाल हो जाएगी अच्छे से, और ये इनका बैक स्टोरी है। और उस रात ये नया कपल आता है और उसके साथ भी ये लोग ऐसा कर देते हैं, और उसके बाद उनको मालूम चलता है कि ये उनका बेटा है, बेटा था। और वो जो इंसान की जो का जो लालच और उस वो सारी जो फीलिंग्स होती हैं उसका बहुत अच्छा डिपिक्शन उसमें किया गया था। और मैं उस तरह से उस मतलब ड्रामा और उससे जुड़ा भी नहीं था और मुझे वो छप गया था मेरे दिमाग पर। तो सुरेखा जी को वहां देखा, फिर तमस और बहुत सारी अलग-अलग सिनेमा में वो नजर आती रही, और वो लगती नहीं थी कि वो एक्टिंग कर रही है। मतलब वो एक सोप ओपेरा जो था, बालिका वधू, जिसके अंदर बहुत लिमिटेशन रहती हैं एक्टर्स के लिए, क्योंकि उसमें हर रोज एक नया एपिसोड आना होता है और उसके अंदर कहानी को स्ट्रेच किया जाता है। तो मुझे याद है कि मैंने कई बार उनके वो बालिका वधू के एपिसोड्स भी देखे हुए हैं कि जहां पर वो इतना पावरफुल परफॉर्मेंस करती थी कि आपको आप जुड़ जाते थे उनसे। और 2017 में जब उनसे पहली बार मुलाकात हुई अमित शर्मा के दफ्तर में, हम लोग रीडिंग करने गए थे और होता है ना कि आप ऑ में होते हैं आप, और आपको पता नहीं होता है क्योंकि वो बहुत सीनियर आर्टिस्ट रही और उन्होंने एनएसडी में के शुरुआती जो बैचेस थे उसमें उन्होंने पढ़ाई की थी, और उनके उनके नाटकों के बारे में चर्चा सुनते थे हम लोग बिल्कुल कि वो स्टेज पर आती थी तो कैसा होता था, एकदम लोग भाव विभोर हो जाते थे उनकी परफॉर्मेंस देखकर। मैं अनफॉर्चुनेटली कभी उनको स्टेज पर नहीं देख पाया मैं, लेकिन मैं बड़ा संकोच में था और कि कैसे वो कैसे बात करेंगी और कैसे होगा, लेकिन वो इतना उनका तजुर्बा और इतना इतनी ज्यादा जिंदगी देखने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि वो अभिमान नहीं था उनके पास, उनकी बातों में। वो जो 1.5 2 घंटे 2.5 घंटे हम लोग स्क्रिप्ट नरेशन रीडिंग के दौरान हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, और मुझे लगा कि मैं इनको बहुत सालों से जानता हूं। अजनबीपन जो होता है उसको उन्होंने, और उसका जो हमेशा ये होता है किसी भी तरह के संपर्क में जो ज्यादा सीनियर होता है, ज्यादा प्रभावशाली होता है, वो डिसाइड करता है संबंध कैसे होंगे। तो सुरेखा जी को ये श्रेय देना चाहूंगा कि उन्होंने तुरंत से उस चीज को इतना मैं जो उनके जूनियर होने के नाते जो मेरे अंदर एक थोड़ा संकोच का जो भाव था वो उन्होंने खत्म करवा दिया, और मुझे बड़ा बहुत ही स्नेह लगा, मुझे बहुत ही स्नेह वाला भाव आया। और चूंकि मैं उनको उनके काम और उससे परखता था कि किस तरह के उन्होंने अभिनय, किस तरह के पात्र निभाए हैं, और यहाँ पे देखा कि वो एक अलग किस्म की इंसान है, जो पूरा प्रोसेस में बाद में भी समझ में आया कि वो शायरी पे
शायरी पढ़ती हैं और जो करंट आपका जो सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन है दुनिया का, देश का, उस पर उनकी नजर रहती थी, बातें करती थी। यह बधाई हूँ मैं सर जब आपने उनके साथ काम किया, ऑन स्क्रीन एक बहुत ही स्वीट रिलेशनशिप आपका दिखाया गया, पर ऑफ द कैमरा वो कैसा रहा जब शूटिंग हो रही थी, और क्या बधाई हो के बाद भी संपर्क बना रहा, फोन पर बातचीत होती रही? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो एक तो उम्र का की दूरी तो थी और उनका जो एक्सपीरियंस है तो आप थोड़ा सा थोड़ा 2 फुट की दूरी से बात करना पसंद करते हैं कि कोई तुनक मिजाज ना हो, कोई एकदम कोई तीखी बात ना कह दे या आपकी किसी बात से उनको किसी तरह की चोट ना लग जाए। तो धीरे धीरे मैंने ये रियलाइज किया कि वो अपना जो एक्सपीरियंस है उसको ट्रॉफी के लिए तरह लेकर नहीं चलती हैं। बहुत सहज थी, उनके अंदर एक क्या ग्रेस था अपने काम को लेकर और अपने सोच को लेकर, अपने जिंदगी जीने के तरीके को लेकर। वो बहुत ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर नहीं करती थी, बातें उस तरह से नहीं होती थी, लेकिन पोइट्री के बारे में या नाटक जो हम उन्होंने खेले होंगे एनएसडी में, उनके बारे में, उनके सह कलाकारों के बारे में वो बताती थी, और रिहर्सल करनी है तो उसके लिए वो तत्पर रहती थी कि लाइन रिहर्सल करनी है या कुछ बात करनी है। और वो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है सोनाली की, वो उम्र के उस पड़ाव में थी जहां पर कि वो थोड़ा सा नखरा कर सकती थी, लोग अफोर्ड कर लेते उनका नखरा कि भाई मैं इतना रिहर्सल नहीं करूंगी या मेरे शॉट्स आप पहले ले लीजिए और मुझे फारिग कर दीजिए सेट से। ऐसा होता है कई बार, ऐसे एक्टर्स या तो बिजी होते हैं या उम्र के उस पड़ाव में होते हैं तो बोल सकते हैं कि भाई हमारा काम आप पहले कर लीजिए और बाकियों को आप बॉडी डबल के साथ या वैसे कीजिए। लेकिन कभी भी एक बार भी उस चीज का उन्होंने एडवांटेज नहीं लिया, मुझे नहीं याद पड़ता उस पूरे शूट में। और जो गप्पे होती थी शॉट्स के बीच में छोटी मोटी, उसमें वो पार्टिसिपेट करना पसंद करती थी और बिल्कुल बच्चों की तरह एकदम चुहलबाजी करना और ग्रेसफुली बहुत एक 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 ऑरा लिया हुआ था उन्होंने, उस ऑरे को बिना तोड़े वो करती थी। और फिल्म कंप्लीट होते होते हमारा सभी कलाकारों का बहुत अच्छा एक सामंजस्य बन गया था, हारमनी बहुत अच्छी बन गई थी और ज्यादातर लोग अभी भी टच में हैं, बातें करते हैं। और तो उसी तरह से सुरेखा जी के साथ भी मैं टच में रहा और अनफॉर्चुनेटली जब फिल्म रिलीज होने के कुछ महीनों बाद ही उनको कुछ वो एक ब्रेन स्ट्रोक हुआ उनको और वो एक शूटिंग में थी कहीं पर और वो गिर गई और ऐसा कुछ। तो फिर उसके बाद जब भी मालूम चला तो शॉकिंग था हमारे लिए और मैं उनसे मिलने गया और अस्पताल से जब वो घर वापस आ गई तो मिलने गया तो वो एक मेडिकल स्टाफ उनके साथ था, लेकिन उनकी आंखों की चमक और जिंदगी को जीने की जो ललक वो बकायदा बरकरार थी और उनको बड़ा अच्छा भी लगा। वो थोड़ा सा उनिंदी सी थी दवाइयों के असर में उम्र के लिहाज से, लेकिन उनको मेरा आना और मुझे, क्योंकि आप स्पेस आपको मिलना चाहिए ना उस तरह से, तो वो उनको ठीक लगा था। और फिर हम और मेरा था कि वो थोड़ा सा उनके उनकी सेहत में सुधार आए तो और मिलने जाऊंगा मैं, लेकिन फिर उसके बाद ये कोविड का प्रकोप हो गया तो फिर अनफॉर्चुनेटली कोविड के दौरान उनसे मुलाकात नहीं हुई। जो उनके मैनेजर रहे हैं उनसे मैं टच में रहता था और बीच बीच में उनसे बात होती थी और बड़े ही नेक दिल इंसान है तो वो उनकी केयर करते थे और उनके बारे में खबर बताते थे। तो आज भी जैसे खबर हुई मुझे मालूम चला तो मैं पहला तो ये था कि ये सोशल मीडिया का जो ये चंडू खाना है, यहाँ पे कुछ भी कभी भी झूठ मूठ कुछ भी हो सकता है। तो मैं सबसे पहले उनसे उनको मैसेज किया विवेक को कि भाई ये बुरी खबर है, ये सही है क्या, ऐसा हुआ है क्या? तो उन्होंने बताया कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया है। तो सुरेखा जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें एक्टिंग में बहुत आस्था थी, फिर चाहे वो उनका रोल जो हो वो 2 सीन या 2 डायलॉग का ही क्यों ना हो, उसका कॉन्टेक्स्ट समझती थी, उनके पीछे का भाव समझती थी, एक्टिंग को लेकर बहुत कमिटेड थी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। नीना गुप्ता जी ने भी बधाई हो कि एक मेमोरी शेयर करते हुए शेयर किया था कि सुरेखा जी ने क्यों देते वक्त भी अपना किरदार ही नहीं छोड़ा था, उसी एनर्जी को डिलीवर किया जिस एनर्जी के साथ उन्होंने अपना शॉट दिया था। क्या आपकी भी ऐसी कोई किसी पर्टिकुलर सीन की मेमोरी है उनसे जुड़ी, क्योंकि
काफी लंबे लंबे उनके डायलॉग्स भी रहे, साथ में सीन्स भी रहे। बिल्कुल करेक्ट बात बोली है नीना जी ने ये, और वही तो हम लोग अचरज में भर जाते थे कि वो अपने रुतबे का, अपने एक्सपीरियंस का एडवांटेज नहीं लेती थी, और जब उनके ऊपर कैमरा नहीं होता था तब भी वो सेट पर रहना पसंद करती थी आमतौर पे, अनलेस कि डायरेक्टर खुद बोले कि भाई यहाँ पे जगह कम है और हमें लाइटिंग करनी है और आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, कोई असिस्टेंट दे देगा क्यों, तो वो रहना पसंद करती थी। और मुझे याद है वो जो लंबा सीन है जो रात में मैं उनको बताता हूँ कि अम्मा ऐसा हो गया है, मेहमान आने वाला है, और अम्मा ने सुनी नहीं है बात, और सुबह सुबह जब वो सुन लेती हैं और वो फट पड़ती है, तो बड़ा लंबा सीन है वो, तो 3-4 पेज का सीन है, और उसमें ज्यादातर सारे डायलॉग सुरेखा जी के, तो वो हमें लगा कि वो कट्स में होगा या किस तरह हो रहा था, थोड़ा बहुत कट्स तो आ ही जाते हैं, लंबी इतने किसी को याद रहना बड़ा मुश्किल होता है, तो लेकिन उनको वो लाइंस याद थी, वो सारी लाइनें याद थी, अपनी पंक्तियां याद थी, डायलॉग्स याद थे, और फिर उसके बाद वो अमित ने कुछ 2-3 टेक ले लिए एक ही एंगल से, तो मुझे लगा कि वो, क्योंकि इसमें इतनी एनर्जी उनकी जा रही थी और वो बिल्कुल आपको लगता है, और तो मुझे मुझे चिंता हुई उनके बारे में कि यार इनकी सेहत पे कोई असर ना पड़े, तो मैं ऐसे ही अमित को ऐसे बोला था, अमित ये, और अमित क्योंकि डायरेक्टर होने के नाते ये उनका अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो किस तरह से करें, तो मैं उनपे उनको सलाह दे सकता हूँ खाली, तो मैं ऐसे हल्के से कि ये शॉट तो मिल गया है तुझे, और बोला हाँ नहीं गजरा जी मुझे ऐसे ये और अच्छा होगा ये, तो ये शायद वो बात सुन रही थी, तो वो उन्होंने तत्पर होके बोला कि नहीं नहीं मैं एक और करूंगी शॉट मैं एक, तो वो बड़ा इंस्पायरिंग था कि यार मतलब ये इस लिहाज से भी कि वो अलग अलग एंगल में भी हो रहा है, और वो पूरा पूरा टेक, वो जो एक होता है ना कि एक रिदम, एक सीन का रिदम टूट ना जाए, कई बार होता है कि आपने एक मास्टर शॉट लिया उसके बाद आप उसको टुकड़ों में शूट कर लेते हैं, लेकिन अमित को लग रहा था कि ये क्योंकि ये इसके अंदर इतनी रवानगी है भावनाओं में, वो कट में शायद नहीं आएगा, तो वो ज्यादातर हर 3 या 4 एंगल से वो पूरा पूरा शॉट लिया गया, और वो हर शॉट में उतना ही तत्पर रहती थी, और आखिर तक वो नाखुश थी कि मैं एक और करूं क्या, और कर सकती हूं मैं, वो जो जज्बा है अपने क्राफ्ट को लेकर, अपने 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 अभिनेत्री होने को लेकर, वो बहुत कम देखने को मिलता है, लोग मतलब कर लेते हैं कि ऐसा हो गया चलो ठीक है निपट गया, मतलब हो गया शॉट ना चलो आगे बढ़ते हैं, वो सिंसियरिटी कि मैं इसको और अच्छा करने की कोशिश करूं क्या, और वो देखना, क्योंकि डायरेक्टर भी तो एक्टर पर ही डिपेंड करता है ना, कि उसको अगर एक्टर से ये भावना मिले, ये एहसास हो कि यार मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ या अब और नहीं कर पाएंगे, तो डायरेक्टर को लगता है चलो ठीक है कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं आगे बढ़ जाते हैं, वो अपने से 3 गुना कम उम्र की एक यंग से डायरेक्टर को इंस्पायर कर रही थी, चैलेंज कर रही थी, वो मुझे याद रहेगा हमेशा। ये काम के जरिए चैलेंज करना तो ऑफ कोर्स आपने हमारे साथ शेयर किया, लेकिन कभी किसी को डांटते हुए उन्हें देखा आपने? कभी ऐसा कोई किस्सा? डांट वो हाँ मतलब अगर गाय बगाए उनका जो असिस्टेंट था, अगर वो देरी करता था चश्मा लाने में या कुछ, तो उसको वो अच्छा। झिड़क झिड़क देती थी उसके अंदर भी, लेकिन वो स्नेह वाली झिड़की होती थी वो, तो कैसे क्रूर नहीं थी वो, मतलब जो किसी को नीचा करके दिखाएं या उसको डिमोरलाइज करें अपने अपने आसपास के लोगों को या मेकअप आर्टिस्ट को या किसी को भी, तो बहुत ही, वही तो मैंने बताया कि वो लाइट थी, वो अपने रुतबे को लेकर, रुतबे को ट्रॉफी के लिए तरह नहीं रखती थी, कि मतलब होता ना कि एक्सपीरियंस है अनुभव है ठीक है, मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हुए, नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, लेकिन ठीक है उसको ले, वो जो ठीक है की भावना जो है ना वो बड़ी गजब की थी उनके अंदर। आपने बहुत सारी उनकी क्वालिटीज के बारे में बात करी, आपके तकरीबन हर जवाब में एक क्वालिटी छुपी हुई थी उनकी, पर ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन उनकी कोई क्वालिटी ऐसी जो शायद आपने अपनाई हो या अपनाना चाहे कभी आगे? यही होमवर्क, होमवर्क जो है कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कोई आपको बताता है कि गजराज आइंदा से अब आप ये करना, वो आपको कुछ
कुछ चीजें होती छप जाती हैं आपके दिमाग में। तो जैसे मुझे सुरेखा जी जो है वो मुझे जोहरा सेगल जो थी उनकी याद बहुत दिलाती थी। जोहरा जी के साथ मैंने बहुत अरसा पहले कुछ एक काम किया था और 5-7 दिन का इंटरेक्शन हुआ था उनके साथ, मुलाकात हुई थी एक दो बार। वो उस समय शायद वो 70-80 के करीब थी और बहुत इंडिपेंडेंट महिला थी वो। अगेन वो अपनी एज का एडवांटेज नहीं लेती थी। वो जो सुबह 8 बजे का कॉल टाइम है या 6 बजे का है उसको पाबंदी के साथ फॉलो करती थी। बाकी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को जो भी सुविधा मिल रही है उसके जैसी ही सुविधा में वो खुश रहती थी और डिसिप्लिन थी और आंखों में एक चमक थी। क्योंकि क्या होता है कि जब आप अनुभवी होते हैं और आप सीनियर होते हैं बाकियों के मुकाबले में, तो आपसे प्रेरणा लेते हैं लोग बिहेवियर में, पैटर्न में। तो मुझे लगता है कि वो जोहरा जी और सुरेखा जी ये एक अलग स्कूल के लोग थे। जो अगेन जोहरा जी का भी ये था कि उनको 2 पन्ने के डायलॉग्स याद थे और मुझे याद है मैंने कुछ एक इम्प्रोवाइज किया तो उन्होंने मुझे टोक दिया, मतलब बच्चे ये बताओ तुम शॉर्ट में ऐसा करोगे क्या। मैंने कहा जी ठीक है, 1 मिनट। उन्होंने पेंसिल लिया, उसको किया, तो ये करना फिर, क्योंकि मैंने तो रात में डायलॉग्स याद किए थे, अब मुझे ये नहीं मालूम था कि आप ये करने वाले हो। तो वो चीज कि को एक्टर को किस तरह से स्पेस देना है, या उसकी अब कोई दूसरा आर्टिस्ट होता तो शायद बोलता कि भैया आप ये इम्प्रोवाइज मत कीजिए, मुझे तकलीफ हो रही, मैं नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने, जोहरा जी ने वो किया। तो जो सुरेखा जी के अंदर भी वही एक तरह का सुर था और वो उस वजह से याद रहेंगे। तो मैं जैसे सुबह जब मालूम चली खबर तो दुख हुआ, कलेजा फटता है वैसी ऐसी फीलिंग आई थोड़ी सी। अरे ओहो ऐसा होता ना, अरे मिलना भी रह गया, पिछले 1-1.5 साल में मुलाकात भी नहीं हुई थी, ओहो बेचारी। लेकिन फिर सडनली रियलाइज किया कि वो बेचारी तो वो खुद को कंसिडर करती नहीं थी, और जब वो नहीं करती थी तो हम उनको, उनके जाने के बाद उनको हम लोग बेचारे के तौर पे क्यों ले। उनकी जो अच्छी बातें हैं, इंस्पायरिंग चीजें हैं, उनको याद रखते हैं और वो उनकी परफॉर्मेंसेस तो रहेंगी ना इटर्नल जब तक है हम लोग इंसानी कौम है। आने वाली कई नस्लें उनके काम देखेंगी, रहेंगी जगह जगह, और उनके इंटरव्यूज हैं बहुत सारे देखेंगे और सीखेंगे भी आई एम श्योर उससे बहुत कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने, बहुत अच्छी किताब पढ़ने जैसे रुकने का मन नहीं करता है, लेकिन मुझे बताया गया था समय की कमी है आपके पास, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बातें साझा करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सोनाली।